ये कुत्ते हैं जो हेल्प करने आए हैं उन लोगों को, और पूरा फंस चुका हूँ। जो पानी का बहाव था काफ़ी तेज था, कुत्ते चल रहे साथ में मेरे। पता नहीं चलता क्या आईबेक्स है, जो भी है अच्छा है। कहीं वहाँ दो चीज दिखाया, पता नहीं ये तो या तो आईबेक्स है। इधर ही साइड आ रहे हैं तो अभी सावधानी अपनी बरत रहे हैं। अपन थोड़ा पहाड़ पर ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे वो पास हो जाए फिर वापस से अपन हाइक स्टार्ट करें। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप चाहते कि कुछ ऐसा देखें और कुछ ऐसा करें तो पानी, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। भाई चढ़ने के लिए तो पहाड़ पर भी चढ़ सकते हैं। अब उसका इंतज़ार करें कि बस वो पास हो जाए, उसके बाद आगे करेंगे जर्नी स्टार्ट। यही बैठा हूँ मैं, बहुत स्लो चल रहे हो। हाँ ऐसा कर सकते हैं, ऊपर वैसे भी वहाँ बर्फ पास हो, चलो ऊपर ऊपर से चलते हैं। रास्ता है थोड़ा थोड़ा टिल्ड है थोड़ा सा, आपको अगर सेफ लग रहा है तो नहीं चलते चलते यार, बैठने से मतलब नहीं। हाँ इससे चलते हैं, इतना कुछ एडवेंचर मिलेगा क्या आपको, सब कुछ देखने को मिल गया, डर एडवेंचर। ब्रो अगर वो ऊपर आते तो अपने पास ऑप्शन नहीं है भाई, ऊपर चलते ऊपर भाई, रिक्स मत ले। वो ऐसा देख रहे हैं जैसे कि खा जाएंगे हम। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो वो भी आपको कुछ करेगा नहीं। लोकल लोगों से मैंने बात किया था तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको ऐसा दिखे तो आप ऐसी गलती मत करें, उनके पास जाए फोटो से खिंचवाए। तो भैया यहाँ से टफ लग रहा है मेरे को। हो जाना तो चाहिए, नहीं यार कोशिश तो जारी है, देखता हूँ। लेकिन मेरी जो सोच है ना काफ़ी ढंग के हैं नहीं, लेकिन कोशिश तो करते हैं। लेकिन यार आने में दिक्कत होगा फिर। क्योंकि अगर यहाँ से पिछले ना सीधा जाएंगे वो नरक में, दिख रहा है आपको खाई में जाएंगे डायरेक्ट। तो मैं तो सावधानी बरतूँगा, आगे जाने का मेरा प्लान नहीं है। क्या बोलता है? हाँ पार तो कर सकते हैं लेकिन भाई आते समय दिक्कत नहीं होगा? जो भी यार भाई अगर चलो वहाँ बाई दे कुछ हुआ डायरेक्ट सीधा नीचे, ये भी है यार। लेकिन यार मैं कोशिश कर सकता हूँ यार, आगे से करूँ क्या कोशिश? नहीं नहीं कोशिश करते यार, नेवर गिव अप, आगे चलते यार। मेरे जूते ढंग के नहीं है ना इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, काफ़ी डिफिकल्ट है यार। फक, आ, 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 आ,
नज़ारे देखो, कितना प्यारा नज़ारा है। एंड दिस इज़ लाइफ। वहाँ से चला था मैं, रास्ता बंद है वहाँ का, तो मैं इस रास्ते यहाँ तक तो आया, यहाँ बैठा हूँ, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट है यार, बट मैं ट्राई करूँगा। आ रहा हूँ। हाँ यार, आता हूँ, वहाँ तक आता हूँ, क्योंकि ग्रिप नहीं मिल रहा पैर में। हाँ हाँ यार, बस यही था मेरा ट्रैक का आखिरी स्पॉट। बस मैं 11 बजे चला था, अभी बज रहे 1:30, अब वापस भी जाना है, और नज़ारे देखो। जाओ, आ गए थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं चलते आगे, जा नहीं पाएंगे। चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ है, और यहाँ तक आया, मतलब ऐसे बिगिनर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पूरा मड विलेज, और मैं बता दूँ, मैंने जो हाइक किया था, मैं 11 बजे ये हाइक शुरू किया था, और 1 बजे तक, मतलब मुझे आगे तक जाना था, जहाँ पे पिन भावा और जो पार्वती वैली दोनों दोनों मिलते हैं, वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस का जो जमा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा है, और मेरे जूते भी काफ़ी इतने अच्छे थे नहीं, तो मैं जा नहीं पाया। तो जितना भी किया, अच्छा एक्सपीरियंस मिला, और तो अभी बस वहाँ जाना है, वहाँ जाके जो मैंने पराठे पैक करवाए थे वो खाऊंगा, फिर आगे मड़ विलेज की ओर जाऊंगा। तो ठीक है, ओके, सो फार सो गुड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अब 1 घंटा का हाइक था, वहाँ से मैंने आया यहाँ तक, मेरा गांव मड़ विलेज, और मुझे उसको क्रॉस करते हुए थोड़ा बहुत सांस फूल रहा है मेरा, और काफ़ी ऐसा कुछ तो होने रहा है, चलते हैं। काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को, क्योंकि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, और मेरे शूज भी काफ़ी फिसल रहे हैं यार, मेरे को नहीं पता कि मैं क्रॉस कर पाऊँगा। क्रॉस तो कर लिया, ओह चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, चलते हैं उधर। उधर जा रहे हैं क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज हो गया है, और शाम के बज गए 5, पता नहीं कोई रूट तो दिख नहीं रहा वापस जाने का। विलेज है वहाँ पे, और काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है, वो तक क्यों, और जो चीज़ के लिए मैं यहाँ आया था
मैं चश्मा गिर गया था और चश्मा ये रहा चश्मा फाइनली भाई। इससे हमें एक तो चश्मा मिले और दूसरा हमने माउंटेन्स के ऊपर वेस्ट नहीं छोड़ा। ये होता है तो लाइफ में नेवर गिव अप, अगर कुछ हो जाए तो वापस आप आ सकते हैं ऐसे डिफिकल्ट टर्न को पास करके। आप देख रहे हैं पानी का बहाव इतना तेज़ हो गया है, जब मैं सुबह में किया था हाइकिंग काफ़ी कम था, अब शाम के बज रहे 5, अब उसको क्रॉस करके वापस जाना उस विलेज में काफ़ी डिफिकल्ट है। तो फिर फंस चुका हूँ मैं वहाँ पे, ये कुत्ते हैं जो हेल्प करने आए हैं उन लोगों को और पूरा फंस चुका हूँ वहाँ। जो पानी का बहाव था काफ़ी तेज़ था, ये कुत्ते चल रहे हैं साथ में मेरे ना यार, तो चलते हैं। मेरा जो डर है ना वो तो ख़त्म होगा कम से कम, लेकिन देखते हैं। ब्रो नीचे धंसा हुआ वो दिख रहा हो, अपन जहाँ से आए थे वहीं से जाएंगे यार। हाँ, यहाँ से ज़्यादा स्पीड में उधर से चलते हैं। नहीं जहाँ से आए थे वहीं से चलेंगे यार। ठीक है यहाँ से। ब्रो साथ में चलते यार मेरे। राम राम फाइनली मिशन सक्सेसफुल रहा। यही डॉग था जिसने मेरे को हेल्प किया जब मैं वहाँ फंस गया था, जिसने काफ़ी हेल्प किया। थैंक यू सो मच जूले तासीता तुझीता तुझीते। हाँ ठीक है बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली हाइक कंप्लीट हो गया और काफ़ी अच्छा हाइक था। और अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, जो मेरा तारा गेस्ट हाउस है उसके जस्ट सामने एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी रिजनेबल रेट से आप अच्छे यहाँ पर खा सकते हैं पराठे वाठे 20-30 के पराठे। और मैंने अभी चाय बनवा रहा हूँ, तो चाय भी जस्ट बन रहा हूँ, भैया बना रहे चाय किचन में। तो काफ़ी थक गया हूँ यार, सोच रहा हूँ अब चाय पी कर थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊँ और शाम में देखता हूँ कहीं और भी कोई जगह हो एक्सप्लोर करने के लिए तो वहाँ जाके एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद इस वीडियो को एंड करूँगा।